आनंद भाई, ई का हो अभी चल दे लो। अरे तो का करी, चाही के पड़ी ना, सीमा पर देखते बाड़ा पड़ोसी देश का उत्पात मचेले बा, तनी सा भी आँख झपकल ना तो सीधे आतंकवादी लोग देश के अंदर। अरे जब हमनी के जागल जाले ना सीमा पर, तब देश के लोग शांति से सूतलन। ए दयानंद भाई, यही से हमनी के गर्व के साथ पूरा जिला जवार में कहिला कि हमरो गांव धर्मपुर में एगो बाप फौजी जे अपना जवानी में पाकिस्तानी सब के मार जूता के खुटा नियर गाड़ देले रहे। अरे खुर्शीद भाई, वो इंसान इंसान का जवन कोई के काम आए ना, और जवानी जवानी का जवन देश के नाम पर खून बहाए ना। सही बात, तू तो जानते बड़ा कि देशभक्ति का जज्बा हमारे परिवार में शुरू से बा। जवन इंसानियत और संस्कार हमरे में बा ना, वैसे ही गुण हमरे बेटा राजा उर्फ चिंटू पांडे के भगवान देले बाड़न। आप लोग तो जनते बाड़ा, देशभक्ति का जज्बा हमरे खानदान में कूट कूट कर भरल बा। हमार बाबूजी इंटर करके दारोगा बनलन, हम ग्रेजुएशन करके फौज का नौकरी कर रहल बानी, और हमार बेटा चिंटू अरे पढ़े में टॉप क्लास बा। देख ली है आप लोग, एक न एक दिन एसपी जरूर बने। एसपी? और का एसपी ना चाचा, एसपी के लड़की के पटाक के एक दिन बिहार जरूर कलियु। ए पांडे भाई, खदेरुआ के काला मारत, सही में तुहर बेटा एक नंबर के निकम्मा बा, आ एक नंबर के लफुआ बन गया। का कहत बानी? सही कहतानी। ए दयानंद भाई, अगर तोरा विश्वास रखे ना तो सिर्फ 2 दिन तू रुक जा, 2 दिन के बाद होली बा, आ देख लो अपन बेटा के हुर्दंग। होली है। भौजी हो भौजी गरम गरम, अरे भैया हवे नरम, ये भौजी गरम गरम, ये भौजी गरम गरम, हो भौजी गरम गरम, भैया हवे नरम, तो भौजी गरम गरम, अरे भैया हवे नरम, ये भौजी गरम गरम। भौजी चले भौजी गरम गरम, अरे भैया हवे नरम, ये भौजी गरम गरम, मन ताजा रही।
जैसन लगता रे। अरे रुक रुक तेरा बताओ था जैसन ना तो हर बापे बानी चले खरे बताई ले तुके आवाज। अरे होलिया में उड़े गुलाल पतर की होलिया में उड़े गुलाल। अरे माई बहुत जोर के भूख लागल बतानी खाना ना दे। अरे बिटवा हर दम कृष्ण कन्हैया बन के घूमत रहबा कोनो काम काज करबा की ना। अरे माई बैठा देखा जेकर बाप फौज में ओकर बेटा मौज में। अब बाबूजी फौज में काम करबे करेलन। हाँ और आजकल जौन स्थिति चलता एक दिन हिंदुस्तान पाकिस्तान की लड़ाई होबे करी। हाँ और मान ले माई कि बाबूजी कम से कम 50-60 पाकिस्तानी के तो मरबे करी हन। हाँ आओ करे बात शहीद हो जाए। अरे लेकिन माई बाकी सरकार द्वारा जो हमने के पेट्रोल पंप मिली ओ में सोच कि हम भरे तेल अतए कि नहीं है पैसा। हाँ ठीक से भाई ठीक से जी साहब। हे माई पैसा दे पैसा ही पैसा। भूत भूत ना कपूत सपना देखे छोड़ और हकीकत में आ जा। आज हम तुहार 612 हड्डी दूर के ओके 1200 जाओगे। अरे बाप रे बाप रे भाई रे भाई। अरे दादा रे दादा हमर सब हड्डी टूट के भीतर ही कबड्डी खेला था पूरा नस धस गेल रे भाई। अयो दादा काकी हमार जवान लड़का के रउआ मार मार के बेहोश कर दे। रउआ के तनी को लाज शर्म नहीं की आवत का। बेटा ये का नखरा कर ले बड़ा हो अभी ले तो एक और नटा ना पड़ल तो दू खानदान के याद आ गेल आ कहीं सही में तो आ नटा पे लागी नु तब पर का हाल होयो बुढ़े। ए हमार लाल हमारे उच्च कुल के नीच चिरा देखा आज हम का करी ले तोहार हाल। खुर्शीद भाई का जवन टैक्सी बा आज से तू चले टैक्सी पैसा कमाइबा पैसा कमा के घरे ले आइबा तब तू खाना खाइबा। अरे भौजी देखा एगो फौजी के लेकर नौकरी करी तो लोग बुराई करी बाकी जब ऐस में कैस उड़ाई तो बड़ बाप के बेटा कहे बाबूजी और ये छोट का मेरा और बेइज्जती हो। कौनो बेइज्जती न होई बेटा कौनो बेइज्जती न होई मेहनत और ईमानदारी से जवन काम करल जाले ना उमे कौनो बेइज्जती न होला। इतने पांडे के फैसला बा टैक्सी चलेबा त चलेबा। हां लेकिन भौजी अरे यार मच्छर बाप के फैसला बा कि ड्राइवर बन के टैक्सी चलावे के पड़ी। अच्छा ये मान त करता है कुर्सी चिच्चा के चिच्चा ना मर्दे छीछा बाड़े। हां अरे पूरे गांव के लइकन के उंगली ची चुंगली करत रहल। हां ए राजा तू टैक्सी ले लेब त तोरो टैक्सी में उ राजा हिंदुस्तानी के जैसन एगो हीरोइन बैठी। अच्छा और गाय का गाय हो गाय हो मोछड़ बाप के बापूजी का यान की पोता जी गाड़ी मत चलाओ तब उन्हें मारे। राजा बेटा उठ चिंटू पांडे जी अगले चुगले करे ये भुट्टन मिया जी चुगली चुगली करे ना चाबी देवे एलवानी चाबी देवे। अच्छा हम तोहरा सारा लोग के भला चाहिला। अच्छा हम तो इहे चाहिला कि गांव के जितना लड़का बा सब अपना पैर पर खड़ा हो के खड़ा तो बानी जा। अरे अपना से कमा दूगो पैसा परिवार चलाबो से हमरा कहे के मतलब मेरा का। हां 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 बेटा हां देखो
तोहरा ला एक सर्वधर्म माला हम लेनी है। ले एकरा पहना आव। ये हमेशा तोरा महफूज रखी बेटा। तू नया काम शुरू करे जे जा रहल बा। ये तोरा बरकत होई हर कदम पर ही तोरा साथ दी। ठीक है बेटा। ठीक बेटा चा। कभी मिलने तो आओ सावन की नशीली जी है राजा, ब्रेक ऐसन लगाईलो कि माटी कोड़ा गई। प्यार के न्योता देता नहीं, हमार देवता बन जा, रोज सुहागरात मनाई बा, तब पूरा इंटरफेयर करब। टिकोरा की उम्र से आम तक ले न्योता देता रू, लेकिन हमार कबो किक ना लागल, चौनो दिन किक लाग गई, जिंदगी भर खातिर फिक्स देवता बन जाए। अरे अब बतावा किक लागल कि ना। हाई सब हरकत कैला से कुछ औरे जा गेला, बाकी किक ना लागेला। और पीछा गेल छोड़ दे ना तो चेहरा फीका लागे लागी। मजबूरी में सेकंड हैंड मर्द से बियाह करे के पड़ी। मर्द तो तू ही बनबा, चाहे कितनो बेशरम बने के पड़ी। अरे हमके बॉयफ्रेंड रख ले बिया, मिसिरी जी छोटकी तो हर दिया, हमके बॉयफ्रेंड रख ले बिया। ससुर हम कुछ बोलबे ना करब, दिमाग खराब करके धे देले बियाह, पूरा दिन मौन व्रत रहब। ए टैक्सी वाले भाई, पठान होटल चलोगे? पैसे कितने? सिर्फ 400 रुपए दूंगा। ओके चलो। ए गुंगा, गाना बंद कर। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। हिंदुस्तान पहुंच गए। हिंदुस्तानी बंदों से कह दीजिए इशारों इशारों में साथ दें,
कल जो बम का धमाका हिंदुस्तान में होगा, बहुत जल्द मरने वालों की चीखें पूरे पाकिस्तान में सुनाई देंगी भाईजान, पूरे पाकिस्तान में। चीख का बेसब्री से इंतजार रहेगा। आदाब भाईजान, ये तो सब सुन रहा है। गूंगा है, बोल नहीं सकता। इशारे से बता तो सकता है। इशारे से समझने वाले, खाने वाले और पीने वाले भाईजान के इशारे पे नचनिए की तरह नाचते। ए, गाड़ी चला। कितना हुआ? रख ले टिप समझ के। रख ले यूसुफ, हिंदुस्तानी डरपोक और ईमानदार भी होते हैं। चलिए भाईजान। अब वर्दी पहरे है तो इतना ईमानदारी तो निभाई भाई करेंगे है? अरे सर, माल आपका खा रहा है तो वफादारी कहाँ दिखाएंगे है? शुक्रिया। सुनिए ना सर, मैसेज का नंबर भिजवा दिए हैं, उनके अकाउंट में पैसा डलवाइएगा। इतना पैसा हमारे अकाउंट में डलेगा तो इनकम टैक्स वाला छापा मार देगा। जी चलिए, धन्यवाद। एसपी साहब कहाँ बड़े? इतना बड़ा खड़े है दिखाई नहीं दे रहा है। एसपी विशाल वर्मा है? अब खड़े का हो, बोलो, मुंह तो खोलो। पहले अपने के जॉन खुला ला उता बंद करें। कौन जी? पैंट के चेन। अरे कहां से खुल गई? तू लोग गधा, इतना देर से सिनेमा देख रहा है बे? हाँ, तब बोलिए। एसपी साहब, कुछ पाकिस्तानी जासूस कोनो प्लान के साथ आके एक होटल में रुकल, ओकने के पकड़ के ऐसा दफा लगा के डंडा करी कि कौनो पाकिस्तानी हिंदुस्तानी के नाम सुन के बारह महीना ठंडा रहे। ब्याह हो गया है ना, तो काहे बिना मजा लिए मरना चाहते हो? इस सब लफड़े में पड़ोगे ना, पूरा जिंदगी जेल में सड़ोगे, कोई छुड़ाने नहीं आएगा। भारत माई की रक्षा करे वाला बोली ना, पाकिस्तानी मर्दर जात के भड़वागिरी करे वाला बोली बोलता नहीं। एसपी साहब, जेल में सड़े वाला नौजवान ना, बल्कि रेल के ओकरे घर में ठेल के छाती में तिरंगा गाड़ के तिरंगा लहरावे वाला राजा उर्फ चिंटू पांडे टैक्सी ड्राइवर है। तो ड्राइवर साहब, आप जैसे नौजवानों के लिए ही हमने कविता लिखी है। हाँ सुनिए, कि अगर कहने से ही करना हो जाता, कहने से ही करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती। अब बाबा कौन बोलेगा भाई? बाबा, बाबा। कहने से ही अगर करना हो जाता तो करने की जरूरत न पड़ती, मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती। बार बार वाह वाह ना, मेहनत कशी कहीं मुंह छुपा लेती और सिर्फ अल्फाजों की महफिल सस्ती, महफिल सस्ती अल्फाजों की, और जुबां से ही काम चलाते और शब्द ही जाते आसमां में, चांद को कैद करके ले आते। सुनो, दूसरे के फटा में टांग मत अड़ाओ। बहुत अच्छा, हम जैसे नौजवानों की तरफ से आप जैसे लोगों के लिए कविता है, सुनाए? हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मन करता है फूल चढ़ा दूं लोकतंत्र की अर्थी पर, भारत के बेटे निर्वासित हैं अपनी ही धरती पर, वो घाटी से खेल रहे हैं तुम जैसों के बलबूते पर, जिनकी नाक टिकी रहती है पाकिस्तानी जूतों पर। अब केवल आवश्यकता है हिम्मत की, खुददारी की, सरकार मोहलत दे दे केवल दो दिन की तैयारी की, आवाम को आदेश थमा दो, घाटी गैर नहीं होगी, जहाँ तिरंगा नहीं मिलेगा उनकी खैर नहीं होगी। कवि सम्मेलन हो रहा है काजी, ताली बजा रहे हैं। ऐसा है पाड़े जी, कि आपने हमको खबर दे दी, आपका काम खत्म, अब कानून अपना काम करेगा। हमें कानून मत सिखाइए। एसपी साहब नहीं सुनेंगे तो कमिश्नर साहब तो सुनवाई करेंगे। धमकी दे रहे हैं है? कमिश्नर साहब का नंबर नहीं हो तो हम दे आपको, कहां तक जाइएगा?
पूरा सिस्टम जुड़ा हुआ है आपस में, कोई फायदा नहीं। कमिश्नर साहब के पास जाएंगे। Cheers! रईस, हम लोगों पे किसी को शक तो नहीं है? रईस भाई के होते हुए आपको कोई तकलीफ हो ही नहीं सकता, और पैसा लिया हूं, ईमानदारी तो दिखानी ही पड़ेगी ना। रईस अपनी मस्ती में आग लगे बस्ती में। सीएम के कुर्सी के नीचे बम लगा दिया है, और जैसे ही प्रोग्राम के बाद सीएम कुर्सी पे बैठेगा, बम वैसे ही फटेगा, और बम फटने से केवल सीएम ही नहीं, दूर दूर के लोग मरेंगे। जितने हिंदुस्तानी काफिर यहाँ मरेंगे, उतने लाखों लाख हमें हमारे पाकिस्तान में मिलेंगे। लाख मिलने से ज्यादा हिंदुस्तानियों को खाक में मिलते देख के खुशी होगी। क्यों बे गूंगे, अपने 100 रुपए लेने आया क्या? लेने के लिए नहीं, भोजपुरी या पटकन देने के लिए आया। हम गोलियों के बादशाह हैं, हमें कभी बंदूक मत दिखाना, अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पाए लागू चिंटू साहब, बोलने से पहले तू मुंह खोल दे। किसको मारने आया है? अगर मुंह नहीं खोला तो इतना ठोकूंगा कि पैजामा तेरा होगा, मुंह तेरे के लिए नाड़ा तेरा बाप खोलेगा। अगर नहीं बोला तो हिंदुस्तान मेरा झंडा पाकिस्तान का होगा, और अगर मुंह खोल दिया तो बहन मेरी होगी, कमरा भी पाकिस्तानी होगा, लेकिन मर्द हिंदुस्तानी होगा। है ना, तेरे जैसे लोग रहते तो है हिंदुस्तान में, लेकिन सोचते हैं पाकिस्तान के बारे में। तेरे जैसों को ना जलाना चाहिए, ना दफनाना चाहिए, बल्कि बम्बू डाल के बीच चौराहे पर लटका देना चाहिए, ताकि चील कौवे नोच नोच कर ये एहसास दिलाते रहें कि वतन से गद्दारी का क्या नतीजा होता है। मुखोल वरना ट्रिगर दबते ही होल हो जाएगा। तेरी ही औलाद तुझे अब्बू जान नहीं, अम्मी जान के बुलाएंगे। बोल। बहुत जल्द सीएम का भाषण शुरू होने वाला है, भाषण खत्म होते ही सीएम कुर्सी पे बैठेगा, कुर्सी पे बैठते ही कुर्सी में बम लगा हुआ है, उसके बाद सब मौत की गोद में समा जाएंगे। भाषा भोजपुरी बा, लेकिन कितना शर्म के बात बा, गांव के स्कूल कॉलेज में कहीं भी भोजपुरी ना पढ़ावल जाला, लेकिन अब अनिवार्य रूप से हर श्रेणी में भोजपुरी पढ़ावल जाए। इन्हीं शब्दन के साथ हम अपनी भाषा के विराम देता नहीं, प्रणाम। सीएम साहब रुकिए, जल्दी निकल लो, कुर्सी के नीचे बम्बा। राजा तोरे चलते हमने की जान बच गई, नहीं तो आज बहुत बड़ा अनर्थ हो जाता।
अरे लाशन के ढेर लग जा ढेर। लेकिन बेटा सर मैं अरुण भट्ट एबीपी न्यूज से, मैं अपने चैनल के लिए आपका एक इंटरव्यू लेना चाहता हूं। मेरा इंटरव्यू लेके आप क्या करेंगे? अगर आपको इंटरव्यू लेना है इस बहादुर नौजवान से पूछिए, ये आपको उत्तर देगा। पूछिए सर, आप इन घुसपैठी आतंकवादियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे, घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। जो ना रस्सी में तू लोग के बांध के लेके जा रहा बड़ा, अगर हम मुंह खोल देली समझ ला तो वह रस्सी में तू बदलना चाहिएगा। अभी भी वक्त बा, सुधर जा। सर आप इन घुसपैठी आतंकवादियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? हम बस इतना ही कहना चाहेंगे, पाकिस्तान को शराफत सिखा देंगे, हिंदुस्तान की तहजीब दिखा देंगे, घुसपैठी अब और ना करना, वरना कश्मीर तो क्या लाहौर में भी तिरंगा लहरा देंगे। भारत माता की जय, हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद। नौजवान हिंदुस्तानी हमारे मिशन पे पानी फेर कर पूरे पाकिस्तान को ललकार रहा है, मतलब सुल्तान को ललकार रहा है, सुल्तान को। भाईजान ये गड्ढा क्यों खोद रहे हैं? कब्रें खोद रहा हूं उस राजा हिंदुस्तानी के लिए जिसने हमारे तीन आदमी पकड़ा कर हमारे मंसूबों पे पानी फेर दिया और सारी दुनिया में हमारा नाम मिट्टी में मिला दिया। अब वो हिंदुस्तानी मुझे पाकिस्तान में चाहिए, जिंदा या मुर्दा। जी भाईजान। भारत माता के हिंदुस्तानी बुड्ढे, अभी भी समझा रहा हूँ कि फौज की नौकरी छोड़ गांव जा, अपनी बीबी के साथ मौज मस्ती कर। अरे मैं मौज करने नहीं, फौजी बनकर देश की रक्षा करने के लिए आया हूँ। कुछ नशा तिरंगे की आन का है, कुछ नशा मातृभूमि की मान का है, हम लहराएंगे हर जगह ये तिरंगा, ये नशा तिरंगे की शान का है। अरे बहुत बोलता है रे बुड्ढा, एक गोली चलेगी ना तेरी सारी बोली बंद हो जाएगी। अरे खैरात में पाए हुए पैसों पर पलने वाले कायरों, तुम लोग हम लोगों को गोली मारोगे? आज का पेपर देखा है? नहीं देखा ना? एक टैक्सी ड्राइवर ने अकेले तीन पाकिस्तानी आतंकवादियों को पकड़ लिया और सीएम और बच्चों की रक्षा की है। देख 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 देख, ठीक ये देख है। तुझे पता है वो टैक्सी ड्राइवर कौन है? कौन है वो टैक्सी ड्राइवर? है मेरा बेटा चिंटू पांडे उर्फ राजा। तो सोच ले, जब मेरा बेटा तीन तीन आतंकवादियों को अकेले दबोच सकता है तो मैं तो उसका बाप हूँ, दयानंद पांडे। अरे कम से कम 30 को तो अकेले उड़ा ही सकता हूँ। अरे यार सुन भाई, बुड्ढे की बात में दम है हिंदुस्तानी की, चलो भाई भाग लो, इसके बाजुओं में भी बड़ा दम लग रहा है। ए ड्राइवर बाबू, तोहरा खातिर हाजीपुर से पटना एयरपोर्ट आ गई नी, अब प्यारपुर से सादीपुर होते हुए सुहागरातपुर चलवा। धर्मपुर तोहरा बाबूजी लगे चले, चलबू। ना 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 बाबूजी मरिहन, ये हमार चिंटू पांडे कपले रखवा वेटिंग में, अब तक कर ला हमरा से सेटिंग, बना ला अपन मीत। जौना दिन की लाग गई मीत बन जाए। Huh?
किक लग गई। किक लग गई। अरे हाजीपुर 300, मुजफ्फरपुर 500, मोतिहारी 800, रक्सौल सीतामढ़ी 1500, बीरगंज नेपाल 2000, 2000 ऐसे नहीं मैडम, काहे के 400 रुपया भंसार लगेला। अब अच्छा अगर ज्यादा लगा तो कौनो बात ना, जॉन बुझाई से दे दे, हंस के रख ले। I'm sorry, मुझे कुछ समझ में नहीं आया। हे दुर्गा मैया, केक लगावे वाली के कबो समझ में ना आवे दे हम। आप विदेश से आई है क्या? जी हाँ, पाकिस्तान से। हे भगवान, सब पाकिस्तानी हमारे कपारे पे लिखल बा। कौन बात है मैडम, आई दी जी, आई शुक्रिया, बैठी। जा घरे जा, अरे? जा अब देखा था बाजाली। अच्छा मैडम जी, आपका हिंदुस्तान कैसे आना हुआ? बात दरअसल यह है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद अब्बा और बड़े अब्बा पाकिस्तान चले गए। लेकिन उनकी एक दिली ख्वाहिश थी कि वो एक बार अजमेर शरीफ आकर जियारत करके जाए। लेकिन बड़े अफसोस की बात है कि वो दोनों ही एक एक करके इस दुनिया से रुखसत हो गए। खैर, इसीलिए हमने ये सोचा कि क्यों ना उनकी ये आखिरी तमन्ना पूरी कर दी जाए, इसीलिए हम हिंदुस्तान आ गए। और हमने ये सोचा कि उनकी जगह पर क्यों ना हम ही उनके नाम से चादर चढ़ा दें, और फिर लगा कि क्यों ना इसी बहाने हम हिंदुस्तान भी घूम लें। अरे ये तो आप बहुत बढ़िया सोचे मैडम। अच्छा ये बताइए, कहाँ कहाँ घूमना चाहेंगी? सबसे पहले तो आप हमें ऐसी जगह लेकर चलो जहाँ से असल मोहब्बत की शुरुआत होती है। अच्छा, अरे तब तो आपको ऐसी जगह हम चुटकियों में घुमा देते हैं, आज असल मोहब्बत की शुरुआत हो ही जाए। आइए। अरे राजा हिंदुस्तानी, ये कहाँ धूल मिट्टी में लेकर आ गए हमें? धूल मिट्टी? अरे मैडम, धूल मिट्टी का दूसरा नाम ही यूपी बिहार है, और हमारा मुल्क में सबसे ज्यादा धूल मिट्टी में रहे वाले लोग ही इतिहास रचले बड़न। छोड़िए जनाब, हमें दिखाना आई है तो कोई ऐसी जगह दिखाओ जिसे देखकर दिल खुश हो जाए। अब दिल खुश करे जब दिल खुश करे के बात है तो ऐसे बढ़िया जगह तो कोनो हो ही नहीं सका। अच्छा हाँ, चली चल रोहरी के आड़े, तब बताओ तो तुम्हारी चिंटू पाड़े।
में देखो गरमी में कापा ताड़े जारे तोहार चिंटू पाड़े तोहरा प्यार में पागल बाड़े तोहार चिंटू पाड़े बहका के जदिले जाइबा आड़े थुरा जाइबा पाड़े किसन रो पूछा तामी कैसन होला मारत के नुजा अंगुरी धाके धर बहात फेरू पोड़ जाइबा सोचा तारू जवन तावन होई ना रसिली हो वादा बाटे पाड़े जैसन मरद नाही मिली हो जी माई ए माई अरे कहाँ बाड़ी अरे कुछ दिन खातिर बाहर जाए के बा बाहर हाँ कहाँ बाहर अच्छा टैक्सी लेके चटी रखने कपड़ा रखने अरे बेटा हाँ इतना हड़बड़ी में बाड़ा हाँ कहाँ जा तारा कुछ खा पी के जा अरे माई देखा बहुत जल्दी में बानी एक को विदेशी पैसेंजर मिलल भी जम के पैसा मिली आ चार पाँच दिन लगी यही से कपड़ा लेवाल रहनी है चार पाँच दिन पैसा विदेशी ये कौन पसी अरे माई अब तू ये सब तू बाद में हम लौट के बताएं ठीक बा अरे एक सात सौ छियासी बिस्मिल्लाही रहमाने रहीम मतलब अल्लाह तो के हर काम में सफलता देवे आमीन ठीक बा मैं जाता नहीं हाँ अरे 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 सुन तो अरे सुन तो राजा अरे बेटा अरे सुन तो चल मैं आओ तानी अशब्बो अपन ध्यान रखिए ठीक बा अरे काकी गाड़ी में लेके भैया देखा राजा अरे सुन तो अरे सुन तो सही राजा। काकी का काकी देखना चंदा एगो तो पहले से ही बिगड़ल रहल और दूसर ओकर बाबू पढ़ाई लिखाई छोड़वा के गाड़ी का पकड़ा देलन जौन कसर बाकी रहल उहो पूरा हो गई हाँ भगवान करे ये पाकिस्तानी के ना लकवा मार जाई देखा मैडम पहुंच गई है सागरा अरे वाह हाँ यहाँ लगाइए गाड़ी यहाँ पे भैया पैसा दीजिए पर्ची लेके जाइए ठीक है आई मैडम पहुंच गए ताजमहल जी हाई ला भाई तोहर पैसा आइए आई मैडम यह है मोहब्बत का मिसाल ताजमहल शाहजहां ने अपनी प्रेमिका मुमताज के लिए बड़ी ही शिद्दत से बनवाया था लेकिन जिन कारीगरों ने इस खूबसूरत से महल को बनाया शाहजहां ने उनके हाथ कटवा दिए क्यों कि ताकि दोबारा ऐसा खूबसूरत महल कोई और ना बना सके अच्छा गलती शाहजहां की नहीं हर हिंदुस्तानी प्रेमियों की है जल्दी किसी से मोहब्बत करते नहीं और जब कर लेते हैं तो मौत से भी डरते नहीं अब जानती है मैडम जी मैं भी अपनी प्रेमिका के लिए ताजमहल तो नहीं लेकिन एक छोटा सा खूबसूरत प्यार महल जरूर बना कर दूंगा जनाब कहीं आप भी इनकी तरह अपने हाथ मत कटवा लीजिएगा क्या मैडम चलिए कुछ खाते हैं रुकिए एक सेल्फी हो जाए
रूम खाली बा? हाँ है। दो गो रूम चाहिए? दो नहीं, एक ही रूम है और वो भी सिंगल बेड का। ना ना, हमें दो रूम चाहिए। रात के 12 बज गए हैं और इस एरिया में दूर दूर तक इकलौता गेस्ट हाउस है, कहीं ऐसा ना हो कि आपको रात रोड पे गुजारना पड़े। अच्छा कोई बात नहीं, आप रूम दे दीजिए। और एक दिन के कितने रुपए? 1000 टैक्स और कमीशन जोड़ के। जी ठीक है। चाबी दीजिए। नाम? रुखसार खान। शहजादे का? राजा हिंदुस्तानी उर्फ चिंटू पांडे। ओ अच्छा, वो आईडी की जरूरत है आपको? अरे इंटीरियर है, यहाँ सब कुछ फ्री रहता है। PSH 101 रूम नंबर 101। जी हाँ ठीक है। हेलो। हुँ? अरे मतलब नहीं समझोगे क्या? हाथ बढ़ाओ। पी से पटाओ, एस से सटाओ और एच से हटाओ, कॉन्डम रख लो। भाग मत, का ये सब काम करने नहीं आया हूं। अच्छा। हम आओ तन। नहीं कोई बात नहीं, आप अपनी आंखें बंद करके उधर खड़े रहिए, हम चेंज कर लेते हैं। दरवाजा बंद करके आ जाइए। मैडम आप ऊपर सो जाइए, मैं नीचे सो जाऊंगा। हाँ। इतिहास गवाह है, औरतें नीचे और मर्द ऊपर। अगर आप बुरा न माने तो हम नीचे आप ऊपर। अब मैडम ऊपर नीचे सब फेरा के बाद होला। मतलब? मतलब हम कोई बात नहीं, ऊपर नीचे नहीं, हम दोनों बेड पर सो जाते। जी हाँ। आइए। खुदा ने बड़ी फुर्सत से आपको बनाया होगा, शायद मेरे लिए ही आपको इस दुनिया में लाया होगा। खुद पर गुरूर करने वालों ने भी आपको देखकर सर झुकाया होगा। हम आपकी मोहब्बत में कुछ ऐसा कर जाएंगे, बन के खुशबू हवा में बिखर जाएंगे। भूलना चाहो तो सांसों को रोक लेना, वरना सांस लोगे तो दिल में उतर जाएंगे। सुनरी बन के चमकता चांद जान मारता जान जी, चुनरी में सुनरी बन के चमकता चांद जान मारता जान जी। चेहरा हसीन केसिया कहदी रे बदरिया, जादू टोना मंत्र मंत्र मारत नजरिया। चेहरा
तारा हसीन के सिया कहरी रे बदहरी है, जादू टोना मंत्र वंतर महरा नजरिया, होठ के अरिया तिल करिया, सोना जैसन दिल भितरिया, गलिया बनारसी पहन जी, चुनरी में सुनरी बन के चमकत चहन जहन महरत जहन जी, चुनरी में सुनरी बन के चमकत चहन जहन महरत जहन जी। इतिहास के पन्ना पलट गए मैडम, मर्द नीचे औरत ऊपर हो गई। I'm sorry, मेरी गलती है। फिर से गरमाया अयोध्या मुद्दा, जगह जगह पर हिंदू और मुसलमानों में तनातनी, आम आदमी का सड़कों पर चलना हुआ दुश्वार, समझ में नहीं आता सर। या अल्लाह। है मैडम, ये बवाल कम होला, है टीवी वाला लोग बड़ा चढ़ा के देखा वेला, तू चिंता मत करा, सूत जा। उन्हें भड़काने की बात करते हैं। नारे तकबीर अल्लाहू अकबर, 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 नारे तकबीर अल्लाहू अकबर। राजा हिंदुस्तानी, उर्फ चिंटू, ए हिंदू है ना तू? या अल्लाह, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? एक मुसलमान दूसरे मुसलमान को काटने जा रहा है। मुसलमान? क्या तुम मुसलमान हो? जी हाँ, और हमारे शौहर भी। अगर तू मुसलमान है तो 786 का मतलब बता। बता, बता मतलब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुसलमान है तो ये लाल धागा क्यों पहना है? मेरी बहन ने बड़ी मन्नतों से दरगाह से लाकर बांधा था। अगर पूरी कायनात उसकी है और हर जर्रे जर्रे में खुदा है तो हिंदू और मुसलमान में फर्क ही क्यों? जो याद मुस्तफा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ जिंदगी पाया नहीं करते। जिनके दिलों में इश्क के मोहम्मद नहीं, वो नमाजों से भी जन्नत पाया नहीं करते। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हटाओ हटाओ, आज बहुत बड़ा गुनाह होने से बच गया। सही कहा भाई जान। या! नहीं बस सही बात। हटाओ, हटा दो। चलो चलिए चलिए। खुदा जाने मारकाट से लोगों को क्या मिलता है। इससे पहले कि कोई और आ जाए मैं अपना बुर्का पहन लेती हूँ। आप थोड़ा गाड़ी साइड में कर देंगे? हाँ।
शुक्रिया। वैसे 786 का मतलब आपको कैसे पता? मेरी मुंह बोली बहन सबों ने बताया। खुशी चचा की बेटी जिसे मेरी माँ भी अपनी बेटी मानती है। अच्छा हिंदू दल का लग रहा। मुसलमान बड़े आवासन चल भावे के हाथ तो दूर पर छाई तक छुअल भसुर खातिर पाप होला। अरे भावो भसुर के रिश्ता हिंदू में होला मुसलमान में ना। हनुमान जी के सौगंध ई मुसलमान लोगिन हमरा हिंदू भाई के इतना खून बहुले बा कि आज ओकरा के फूल सिंह छोड़ी है ना। बाहर निकल बाहर निकल। भैया भैया एक मिनट ये देखिए इनकर मांग में देखिए आई जान लेवे से पहले इनकर मांग में देखी हमर जान बन चुकल भैया। और ये कोनो मुसलमान ना बल्कि एगो बड़ हिंदू घराना के बेटी भैया। ये गरीब ड्राइवर के प्यार इनके पिताजी के मंजूर ना रहे यही से ये गरीब ड्राइवर इनका के भगा के मंदिर ले जाके खून से मांग सजा दे ले और इनका के बुरखा पहरा के ये एरिया से बाहर शहर भागत रहे ताकि इनके बाप के बाप भी पहचान ना पावे। बहुत चलाक बाटे रे बेटा बहुत चलाक बाटे तू। अरे तोहर प्रेम कहानी में ना कुछ नया खेल लगता। हमरा के पूरा विश्वास बाटे तू दोनों मुसलमान बाटे काहे कि तहरा कलाई में बाटे 786। देख एने देख 786 के मतलब होखेला मुसलमान जकड़ा छोड़ब ना। चटाटवी गलत जल प्रवाह पावित स्थले गदेवलं विलंबितां भुजंग तुंग मालिकां डमट 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 निनाद वट डमरवयं चकार चंड तांडवं तनोतु न शिव शिवं चटाकटा हसंभ्रभं त्रमंदिलिंप निर्झरी विलोलवी चिवल्लरी विराजमान मूर्धनी धगत धगत धगज्वल लाट पट्ट पावके किशोर चंद्र शेखरे रति प्रतीक्षण मम। अब तो विश्वास हो गई। समय मोहब्बत जला के देखो दीवारें नफरत गिरा के देखो। दोनों समुदाय का खून लेकर आता हूँ उसमें से हिंदू का कौन है और मुसलमान का कौन है बता कर देखो। वाह बेटा वाह यह मानवता बाटे और शायद यह इंसानियत भी बाटे। जा बेटा जा आज हमनी के एक सबक मिलल तहरा रूप में। जा बेटा अब आज से हम तहरा के वचन देता नहीं कि हमनी सब अब कोई मार काट न करब हिंदू मुसलमान करके या हिंदू मुसलमान करके। तू जा जा बेटा। अरे हटा सब हटा जा। अब कब है बड़ा काहे के गाड़ी रोके नहीं। खाने के लिए कुछ खाना तो पड़ेगा। हाँ वो ठीक है ठीक बा हम कुछ लेके आओ तन। ऐजा कहाँ गई नहीं कहाँ भाई? वो मेरी मांग में कुछ लालसा लग गया है। धुल गया क्या? ना अभी बस। अच्छा तो धो दीजिए ना। ना हम ना धो सकेंगे। क्यों? हमारे लिए लोगों से झूठ बोल सकते हो हमारी हिफाजत कर सकते हो तो मांग में लगा हुआ खून क्यों नहीं धो सकते? बस ना धो सकेंगे। क्यों?
पैसा उस औरत को देकर कहिएगा कि अपने मांग का सिनूर धो ले। अगर वो अपना मांग के सिनूर धो ले बस तो हम आपके ही खून धो दे। सुनिए जरा। हाँ जी बोलिए। आप मेरा एक काम करेंगी? हाँ बताइए। अगर ये पैसे आपको कम पड़े हाँ हाँ। तो हम आपको इससे भी ज्यादा दे सकते हाँ। हैं। ये जो आपकी मांग में सिंदूर है आप उसे मिटा देंगी? तुम्हारी इस हरकत में मैं चाहूँ तो एक जोरदार थप्पड़ लगा सकती हूँ। क्या समझती हो तुम अपने आप को? रखो ये पैसे अपने पास। शायद तुम बाहर से आई हो और तुम्हें पता नहीं है, इसलिए समझा रही हूँ। उस सिंदूर को मिटाने की बात करती हो तुम? जो औरत का वो गहना है जिसे घर की तिजोरी में नहीं मांग में सजाया जाता है। जानती हो शादी के दिन जब पति एक बार औरत की मांग में सिंदूर भरता है उस दिन से उस पति को परमेश्वर मानकर सारी जिंदगी हर रोज उसकी लंबी उम्र के लिए मनोकामना करती है। और फिर आज तो वो पर्व है जिसमें सारी औरतें अपने अपने पतियों की लंबी उम्र के लिए निराजल व्रत रखती हैं। समझी? समर जाए मेरी तमन्ना है मौला प्यार से भी हो जाए। मोला 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 मोला। ये लीजिए पैसे, कल सुबह मुझे पाकिस्तान जाना है। भाड़ा सवारी से लिया जाता है, अपनों से नहीं। और आप तो अपनों में बहुत खास बनकर जा रही हो। पैसे रख लीजिए। रिश्ता मत जोड़िए। हिंदुस्तान और पाकिस्तान में सिर्फ मौत और नफरत का ही रिश्ता है। और कोई भी रिश्ता इतना मजबूत तो नहीं हो सकता जो मौत और नफरत की दीवार को तोड़ सके। एक हिंदुस्तानी और ऊपर से मर्द बिहारी हो, एक बार आवाज देकर देख लेना। एक मौत की इमारत तो क्या, हजारों मौत की इमारतें तोड़कर आ जाऊंगा। अकेला सा महसूस करना जब तन्हाई में, याद मेरी आई जब जुदाई में, एहसास करना तुम्हारे पास ही हूं मैं, जब चाहे देख लेना अपनी परछाई। परछाई आपकी हमारे दिल में है, यादें आपकी हमारी आंखों में है। कैसे भूल पाऊंगी मैं आपको? प्यार आपका हमारी सांसों में है। I love you, Raja Hindustani. Love you too, Raksha. I love you. पाकिस्तान जाकर हम अपने अम्मी और अब्बू से निकाह की बात करेंगे। ए जी, ये हमार कार्ड रख ली, पाकिस्तान जरूर आईब। ठीक है, हम शाम के तरह के एयरपोर्ट छोड़ दें। ठीक है। जाने से पहले हमें कहीं कुछ खिलाएंगे नहीं? कहे ना।
के आई है मुसाफिर सीना से निकल के जान ओकर चली जाई हो बिना जान बोलाऊ प्रेमी कैसे भला जी पाई हो याद में उनके बन के सावन दोनों अखियां बरसी हो भूख उठी रह रह के मन में मिले के दो दिल तरसी हो मौसम बदलते न जाए है मुसाफिर लौट के आई है मुसाफिर सारे भर के दुल्हन बनाइब हो खुशियन से भर दे हब दामन बांध के सहराइब हो समार के रखिए तोर होके वाली पता हो कि पैसा जाऊ ना दिन घर में कनिया बन के आई है नू ओ दिन ये पैसवा से होके कुछ बना के मुंह दिखाई दे दी है काकी इहो तो पूछ ली होके वाली कनिया कहाँ के बिया पाकिस्तान के पाकिस्तान के पाकिस्तान पाकिस्तानी अरे पाकिस्तानी कन्या हमने की सेवा करी का हाँ? बिल्कुल ना अरे ना करी तो हम कर दे भैया करिन सेवा और देखे में बड़ा मजा आए hey, माई के ना तोर पाकिस्तानी भौजाई के सेवा करे साड़ी के बहल सा कभी मैच किया रे कबो कबो गोड़ो दबा दे ओहो करुआ तेल से ए सबो जा अंदर जाके डंडा लेके आवा था एकरी पाकिस्तानी भूत झाड़ देता ने ए बुटन भाग रे ओ पाकिस्तानी सौतन के राजा के दिल से निकाल के रहब यहाँ दे सतावे चैन न आवे दिलवा रहे बेकरार हो पंछी हुई थी ताउली जई थी पल में सर जहिया से चली गईली छोड़ के हमके जहिया से चली गईली छोड़ के हमके जिंदगी भइले सुन
कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा, कैसन बाड़ी मोर जान हो। रवे में हमरा रहत रहली छन भजदारी ना सहत रहली कब को रवे में हमरा रहत रहली छन भजदारी ना सहत रहली अब तो हमार बिना देखल सुरतिया अब तो हमार बिना देखल सुरतिया होई जाता कैसे बिहान हो जाए चंदा ले अब खबरिया जाए चंदा ले अब खबरिया कैसन बारी मोर जान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। हमारे नियन हो रोवत हुई है लोरावे से कजार के धोवत हुई है ओ, हमारे नियन हो रोवत हुई है लोरावे से कजार के धोवत हुई है मनवा न लागत हुई घरवा दुआरवा मनवा न लागत हुई घरवा दुआरवा होई है बहुत परेशान हो जाए चंदा ले आव खबरिया जाए चंदा ले आव खबरिया कैसन बाड़ी मोर जान हो ए चंदा कैसन बाड़ी मोर जान हो। रुखसार के फोन हेलो हेलो हाँ बेटी तनी रुकी हम अभी राजा के बुलावा तनी हाँ जी काके दाना फोन एने लावा अरे रुखसार के फोन पाकिस्तान से ये राजा रुखसार के फोन बारे ओ राजा पाकिस्तान से फोन आल बारे रुखसार राजा हाँ बहुत है बेसब्री से आपके फोन का इंतजार कर कैसे हैं आप जैसे पानी के बिना मछली और जान के बिना जिस्म हम बहुत चिंता से चिता समान हो गया हूँ खेत में खरिहान में आम के बगान में आपके बिना कोनो पर मना ही नहीं लग रहा है ऐसे बुझा रहा है जैसे राजा हिंदुस्तानी रुखसार पाकिस्तानी के बिना जिंदा लाश बन गया है ना जाने कब पास आएंगी आप सरहद पार आने के बाद जैसे मिलना हमारा नामुमकिन सा हो गया है क्या आखिर क्यों घर आने के बाद हमें पता चला कि अम्मी और अबू ने हमारी शादी तय कर दी है और बहुत ही जल्द हमारा निकाह भी होने वाला है अगर हमारे मोहब्बत में कमी थी तो हमारे मुल्क में ही बता दिया होता
काबिल खिलौना बनाकर क्यों हमारे दिल से खेल रही हो? खेल मैं नहीं, वक्त खेल रहा है। मैं कल भी आपसे बेइंतहा मोहब्बत करती थी, आज भी मोहब्बत करती हूँ और आगे भी करती रहूंगी। भले ही शरीके हयात में चाहे किसी की भी बनूं, लेकिन शोहर में सिर्फ आपको मानती हूँ। दिल और जिस्म चाहे कहीं पर भी हो, लेकिन रूह से सिर्फ आपके लिए दुआ करती हूँ। दुआएं तो कमजोर लोगों को दी जाती है, मजबूत लोगों को सिर्फ सच्चाई बताई जाती है। खाली इतना बता दो, खुशी से शादी कर रही हो या दबाव में? दबाव में। क्या आप मुझसे शादी करोगी? हाँ, करूंगी। तो अपने मुल्क में ऐलान कर दो कि राजा हिंदुस्तानी पाकिस्तान का दामाद बनने आ रहा है, और अगर कोई भी बीच में आए तो उसे तुम्हारे डोली का कहार नहीं बना दिया तो मैं भी हिंदुस्तान का बेटा नहीं। हमें आपका इंतजार रहेगा। बंबई ना बिहार ना पूरा हिंदुस्तान से, अब दुल्हन चाहिए सिर्फ पाकिस्तान से। भूटन, तू पाकिस्तान ना जाइबे तो ना जाइबे। हम जाइब जाइब जरूर जाइब। अगर हम पाकिस्तान ना जाइब तो लोग हमरा के मतलब ही समझी। ए राजा, हमर बात सुना। हम पाकिस्तान जाके तोरा खातिर अगर कुर्बान हो जाइब ना तो लोग हमरा के सच्चा दोस्त समझी। ना मनबे ना। अरे तू शायद मान सकेलन, लेकिन हम पाकिस्तान जाए से ना मानम। हम सब कुछ सुन ले बानी राजा, हम फैसला कर ले बानी। हमरा तोहार प्यार मिल ना सकी, लेकिन तोहार प्यार से मिलावे खातिर मदद तो कर सके नहीं। राजा, तू हिंदुस्तानी होके एगो पाकिस्तानी लड़के के प्यार खातिर कुर्बान होकेला तैयार बाड़ा, तो हम हो हिंदुस्तानी हैं, तोहार एक तरफा प्रेम दीवानी हैं। हम एक जन्म का जन्मों जन्म तक कुर्बान होके के तैयार बानी। राजा, हमरा पाकिस्तान ले चला। ए हटाओ इजाज गाड़ी। हम के सीएम साहब से मिले के बा। सीएम साहब? प्रणाम सर। अरे रे बेटा, जान बचाए वाले की जगह पैर में ना हृदय में होला। सर, रवा से एगो मदद खातिर आयल बानी। हाँ ठीक बा। तिवारी जी। जी सर। आप कौनो मीटिंग ना है, सारी मीटिंग इनकी मीटिंग के बाद, ठीक बा? ओके सर। आओ बेटा, आवा। जी। चलो। जॉन, कुछ भी हो सकेला, बस रवे से हो सकेला। मामला तो बहुत गंभीर बा। बाकी केहू के जान बचावल या केहू के प्यार बचावे खातिर अगर गलत कदम भी उठावे के पड़े ना तो गलत ना होला। अब रहल पाकिस्तान जाए वाली बात, इतना जल्दी वीजा और पासपोर्ट ना मिली, यही से हम तोहरा के तोहरा तरीके से ना अपना तरीके से पाकिस्तान भेजे के बंदोबस्त करब। सर, कोनो भी तरीका से जाए खातिर तैयार बानी, चाहे वो मौत के रास्ता काहे ना होगी। देखा, पाकिस्तानियन के दिल में हमदर्दी ना होला, तोहरा जुनून और तोरी ताकत पे हमरा पूरा भरोसा बा, और हर नेता के कोनो न कोनो खुफिया कनेक्शन जरूर होला, और हमार भी बा। उही खुफिया कनेक्शन के जरिए हम तोहरा के पाकिस्तान के बॉर्डर क्रॉस करवा दे। बस एक बार, सिर्फ एक बार तो रुखसार के हिंदुस्तान लेके आ जा, यहाँ हम सब संभाल लेंगे। जय हिंद, भारत माता की जय। आ गए बानी जा पाकिस्तान में। पाकिस्तानी फौज, पाकिस्तानी फौज। तो अंदर कैसे जाए जाए? कुछ सोचो। कैसे जाए? भेष बदल के आओ। अरे अरे
बॉर्डर से अपना भेड़ बकरी दूसरी तरफ लेकर जाओ। अच्छा अच्छा जी जनाब। चल चला निकल। अम्मा मियाँ, दो दो बेगम साहिबा को लेके चल रहे हैं, इसका मतलब क्या धक्का मारेंगे? अरे नहीं नहीं भाई, वो रागीर है, बहुत परेशान है, किसी ठिकाने की तलाश में है। बस इतनी सी बात? हमारे हजूर की जो बेगम साहिबा है वो बहुत ही रहमदिल है। आप चलिए, आप लोग चलिए, सारा इंतजाम हो जाएगा। चलिए आइए। चलो 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 आइए आइए। बीबी साहिबा, बीबी साहिबा। अरे क्या बात है शेखू, और कौन है ये लोग? ये लोग राहगीर है। आदाब। 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 और आपके पास पनाह की उम्मीद से आए हैं? पनाह मुझे नहीं, मेरी बेगमों को चाहिए, तब तक मैं अपना ठिकाना ढूंढकर इन्हें यहाँ से ले जाऊंगा। अरे इसमें कोई बात नहीं है, वैसे भी इतना बड़ा घर खाली पड़ा है, और इतने बड़े घर में ले देकर एक मैं और एक मेरे मियाँ जी। जी खाली नाम के शौहर हैं, सच पूछो तो वो नौकरी के शौहर हैं। अच्छा हुआ तुम लोग आ गए। हाँ। इसी बहाने मेरा हाथ बढ़ जाएगा जी। अरे सर पे ईद जो है, चलो चलो चलो, बहुत सारा काम है, सेवइयां बनानी है, कोरमा बनाना है, सारा काम पड़ा हुआ है। फिर तो रुखसार भी मेरा ईद पर इंतजार कर रही होगी। अल्लाह अल्लाह, हम मुझे प्यार हो गया।
भाईजान जी, ये जगह कहाँ है? वहाँ उस तरफ है। अच्छा, शुक्रिया। शुक्रिया। जरा सुनिए, रुखसार यही रहती है? हाँ, मैं रुखसार की सहेली रजिया हूँ। आप राजा? राजा हिंदुस्तानी हो ना? हाँ। खुदा कसम, रुखसार जब से हिंदुस्तान से आई है तब से आपकी इतनी तारीफ करती है, इतनी तारीफ करती है कि तारीफ सुन सुन के हिंदुस्तानी जवानों से मोहब्बत करने लगी हूँ। आपका कोई छोटा भाई है क्या? भाई एगो बा, लेकिन वो तोरा साइज के नहीं खे। मतलब? रुखसार कहाँ है? जल्दी से मिला दीजिए ना। बहुत जल्दी है आपको? जी आइए। अरे रजिया, ये आप हमें कहाँ ले आई हैं? आपकी मंजिल पे। आवाज दीजिए, मंजिल मिल जाएगी। अल्लाह हाफिज। रुखसार, रुखसार, अरे रुखसार कहाँ बड़ू? अच्छा, पहलका बेर ससुरा लाल बानी, यही से लागे तो लजाता रू। अरे लेट गया था चालू कर रहा। वक्त ये मोहब्बत भी बड़ी कमीनी चीज है। मैंने लैला मजनू, हीर रांझा, शीरी फरहाद के बारे में सिर्फ सुना था, आज देख भी लिया। जनाब अपना मुल्क छोड़कर दुश्मन के मुल्क में आ गए? तुम ही हो ना राजा हिंदुस्तानी? बताओ कितनी दम है तुम्हारी बाजुओं में। अपनी ताकत कमजोर लोग बताते हैं ना, मर्द लोग हंसकर मजाक उड़ाते हैं। तुम्हारी बहन को भेज दूंगा सुहागरात के बाद, खुद ही दम पता चल जाएगा। बंदूक तना छोड़ दे, अगर मैं सीना भी तान कर खड़ा हो जाऊं तुम लोगों के पसीने छूट जाएंगे। कहाँ है रुखसार? तेरी मोहब्बत पे हम नाज करेंगे, तुझे वफा मिले फरियाद जरूर करेंगे, मगर हसरतों का क्या करें सनम। वादा करते हैं तुम्हें बर्बाद करेंगे। रुखसार बस, ना ही तुम मेरी मोहब्बत हो और ना ही मैं तुम्हारी महबूबा। राजा हिंदुस्तानी उर्फ चिंटू पांडे, रुखसार सिर्फ पैसे वालों की है। तुमने मेरे तीन आदमियों को अपने मुल्क में पकड़वाया है और मैंने इसको पैसा देकर मोहब्बत की साजिश रचकर तुमको अपने मुल्क बुलवाया है। इट्स कॉल हनी ट्रैप, यानी मोहब्बत के जाल में फंसा। याद कर 26/11 उस मुंबई के हमले को, हमारे सिर्फ 10 आदमियों ने पूरे बॉम्बे के साथ साथ पूरे हिंदुस्तान को घुटने पे आने पे मजबूर कर दिया। और फिर तू तो एक मामूली सा परिंदा है, तुझे मसलने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा। माना मैं मामूली सा परिंदा, मैं किसी बात से नहीं डरता। छोड़ ऊपर वाले की आवाज, किसी और आवाज से नहीं डरता। तू डरेगा ही नहीं, सुल्तान का खौफ देखकर मरेगा भी। चल चल चल, तुझे तेरी कपड़े दिखाता हूँ जो मैंने अपने हाथों से खो दी है। चल चल उतर नीचे, चल 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 चल। देख इसे, तूने मेरे तीन आदमी पकड़वाए थे ना, अब मैं तुझे मिशन बनाकर मेरे तीनों आदमी को छुड़वाकर अपने मुल्क बुलवाऊंगा। उसके बाद तुझे जिंदा इसी कब्र में दफनाऊंगा, इसी कब्र में, जैसे चांद तारे पूरे आसमान में।
चमकते हैं, उसी तरह अपने झंडे पे चांद तारे लगाकर पूरी दुनिया में लहराऊंगा, पूरी दुनिया को हरी दुनिया बनाऊंगा, और सारी दुनिया में एक ही झंडा लहराएगा, सुल्तान का झंडा लहराएगा, सुल्तान का खौफ सारी दुनिया पे छा जाएगा, सुल्तान की हुकूमत चलेगी, सुल्तान की। तू पूरी दुनिया पर सुल्तान का झंडा फैलाना चाहता है ना, तो अब मेरी भी हैसियत है, तेरे ही खोदे हुए कब्र में तुझे मार और दफना कर, तेरी छाती में तिरंगा गाड़ कर उसे तिरंगे का साथ फेरा लेकर रुखसार का भतार बनकर नहीं दिखाया तो कसम हिंदुस्तान की, फिर सारी जिंदगी पाकिस्तान का गुलाम बनकर हिंदुस्तान में लगन के बिना बिया ना होला, लगन के दिन देख के अलबनी 25 के तिलक और 29 के बिया के शुभ मुहूर्त बहुत ही अच्छा बात, आज 24 है, एक दिन बाद तिलक के दिन है और तोरे घर में तोरे हाथ से तिलक चढ़वाई। अगर मैं चाहता तो इसी गोलियों से तेरे सीने में छन्नी करके पाकिस्तान का नक्शा बना सकता था, लेकिन मजबूरन मुझे तुझे छोड़ना पड़ेगा, तेरे जरिए मेरे तीनों आदमियों को हिंदुस्तान से छुड़ाऊंगा, और उसके बाद रही 25 और 29 की बात, इसी 29 को तेरे सीएम को फोन करके उनको हिंदुस्तान से रिहा करा के पाकिस्तान बुलाऊंगा, और उसके बाद मैं तेरे इतने टुकड़े करके हिंदुस्तान भेजूंगा कि सारी हिंदुस्तान की जनता भी उससे गिन नहीं पाएगी। चल चल इधर से हट। अगर इसे काल कोठरी में बंद करोगे तो गम और दर्द अकेला देखेगा, सुल्तान इसे जश्न में लेकर चलिए ताकि हम भी तो देखें कि राजा हिंदुस्तानी के अंदर कितना दर्द छुपा है। वो मोहब्बत ही क्या जिसमें दर्द ना हो, वो सनम ही क्या जो बेदर्द ना हो, प्यार लैला मजनू हीर रांझा ने भी किया था पर बेवफा को प्यार करने पर मजबूर ना करते, वो मर्द ही क्या। चल, चल। हर जाए मुस्कान
मेरी भी जिद सुन ले दिल जानी, मैं हूँ आशिक हिंदुस्तानी। उसके पास फंसाना पड़ा तो हर मुल्क के लोगन पे दुनिया भरोसा ना करेला। और आज तू भी बता देलू कि तो हर मुल्क के लईकी और मोहब्बत पे भरोसा करेला एक नहीं खे। राजा के आपन बनावे खातिर हम कितना मंदिर, कितना गंगा नहीं और कितना व्रत भी कही नहीं, फिर भी राजा हाना कहलन। और तू कितना खुशनसीब बाड़ू, बिना त्याग कहले ही राजा त्योहार हो गई ले। राजा कहां बड़े, हमने के ओकरा पास लेके चला। तेरे नजरों के चलाते हैं, दगा देते हैं, जाने क्यों लोग मोहब्बत में सजा देते हैं। मीठे मुस्कान से सब कुछ वो चुरा लेते हैं, बेवफा बन के वो आशिक को रुला देते हैं। क्यों मरते हो सनम बेवफा के लिए, दो गज जमीन नसीब नहीं होगी दफन के लिए। अरे मरना ही है तो मरो वतन के लिए, लड़कियां भी अपना दुपट्टा उतार देंगी,
तेरे कफन के लिए। तू लोगे जगह से और यासु एक और प्यार के धोखा समझी या हमदर्दी मोहब्बत। तब फिर आसू संभाल के रखिया, जब दुल्हन बना के हिंदुस्तान लेके जाए तब परिवार और पाकिस्तान की जुदाई में काम आई। और वैसे भी हमरा मुल्क में प्यार अक्सर शादी के बाद ही होला। खुदा करे वो दिन बहुत जल्द आए, उस दिन आंखों में आंसू नहीं चमक होगी और चेहरे पे मुस्कान। राजा मैं तुमसे निकाह के बहाना करके पाकिस्तान तक बुला ले लूं, अब मुस्कान के बहाना करके ऊपर तक भेज दे वो चंदा। वो हमारी मजबूरी थी। ऐसन भी का मजबूरी बा, का पूछ सके नी। चंदा तुम्हें मैं मजबूरी सिर्फ बताऊंगी ही नहीं बल्कि दिखाऊंगी भी। चलो मेरे साथ। हाय का, अब ही तो ब्याह होने के भाई तो सौतीन जैसन लड़ा तारीन। कहीं दोनों के ब्याह हो गई तो घड़े में हिंदुस्तान पाकिस्तान के लड़ाई हुई का? हाँ। ये भाई चलो चलो इनकर सपना में घुस के देखल जाओ। जाता।
मुझे दुल्हन आज बना दो। आप हमें कहां ले आई? अंदर चलिए, आपको बताती हूं। मेरा भाई है। कमजोरी थी। मेरा भी एक हंसता खेलता परिवार था, न जाने किसकी नजर लग गई। एक कार एक्सीडेंट में अम्मी और अब्बू का इंतकाल हो गया और बच गया तो सिर्फ भाई, लेकिन वो भी जिंदा लाश की तरह, और वो भी जिंदगी और मौत के बीच लड़ते हुए, और अपने भाई की इलाज के लिए मुझे क्लब का सहारा लेना पड़ा। फिर मुझे सुल्तान के पास जाना पड़ा, ये जानते हुए भी कि वो बड़ा ही बेरहम और दहशतगर्द इंसान है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तुम्हें अपने भाई के इलाज के लिए रकम चाहिए ना? जी। और मुझे ये ड्राइवर हिंदुस्तानी पाकिस्तान में चाहिए। अगर सौदा मंजूर है तो उसकी डिटेल्स तुम तक पहुंच जाएगी। लेकिन ये कैसे मुमकिन हो सकता है? तुम हिंदुस्तान जाओगी, अपने दिल का तार उसके दिल के तार के साथ जोड़कर उसके दिल में अपने लिए मोहब्बत जगाओगी, और जब वो तुम्हारे बिना एक पल जी नहीं सकेगा तुम उसे छोड़कर पाकिस्तान आ जाओगी, और तब हम चलेंगे एक नई चाल। जब तक तुम उस ड्राइवर को मोहब्बत का दाना खिलाओगी, हम यहां तुम्हारे भाई को दवा खिलाएंगे। अगर तुम इस काम में कामयाब हो गई तो तुम्हारे भाई के इलाज और ऑपरेशन का सारा खर्चा सुल्तान उठाएगा। अपने भाई को बचाने के लिए किसी और के साथ धोखा? मैं ऐसा हरगिज नहीं कर सकती। अगर नहीं करेगी तो सुल्तान की दहशत और गुंडागर्दी पूरे पाकिस्तान में इतनी है कि कोई भी डॉक्टर तेरे भाई का इलाज नहीं करेगा, और तेरा भाई अस्पताल में ही दवा के बगैर तड़प तड़प के मर जाएगा। या अल्लाह, नहीं, मेरा इस दुनिया में भाई के सिवा कोई नहीं है। मैं जाऊंगी, मैं हिंदुस्तान जाऊंगी। बस यही मेरी कहानी है। जितनी मोहब्बत आप हमसे करते हैं, खुदा कसम यकीन जानिए उससे कहीं ज्यादा हम आपसे। मेरी रूह में, धड़कन में, मेरी हर सांस में आप ही आप हैं। रुखसार,
सॉरी, आपके भाई का इंतकाल हो। कैसे पता चला माई कि बेटा के फोन है? मोबाइल के नेटवर्क महतारी के ममता के नेटवर्क से बढ़ के नहीं खे। जे बेटा के सांस महतारी के एहसास होके से पहले मोबाइल पे हेलो बुलवा दे। कहाँ भाड़े बेटा? पाकिस्तान। घूमे के दुल्हन चुने? दुल्हन चुन ले बानी। जब सोहेब सानिया के दुल्हन बना के पाकिस्तान ले आये तो हम रुखसार के दुल्हन बना के हिंदुस्तान जरूर लेके आई। कुछ पाकिस्तानी सार के डोली के कहार बना के लेते आई हा। अपना मुल्क में गुलाम कम पड़ गए बा। ठीक बा। लगन के दिन दिखा के खबर करतानी। पंडित के बेटा वाली दुश्मन के ठेका पर ललकार के 25 के तिलक और 29 के बिया के दिन ऐलान कर देले बानी। घर परवेश पूजा के तैयारी शुरू कर देतानी। आपन कोख पे पूरा भरोसा बा। पाकिस्तान में गदर मचा के दुल्हन के हिंदुस्तानी चादर उड़ा के विदाई करा के जरूर ले आई हा। ठीक बा माई, गोड लगाता नहीं। हमारा चाल से तोरा क्यों ना बचा पाई सुल्तान। हेलो। हाँ, ओए अगर खबर पक्की है ना तो उसके घर वालों को बोल दो उसकी कब्र खोद के रखें, क्योंकि अफजल के शिकंजे से सिकंदर तो क्या मौत भी नहीं बच सकती। ओ चाय लाना दो तीन। गुलाब बॉय चाबी, ओ चाबी, तेरे मन का रंग गुलाबी, ओ चाबी, तेरे मन
तू? अगर मैं चाहूं तो इस बंदूक में जितनी गोलियां हैं उतने तेरे शरीर में छेद कर सकता हूं, और तू मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। घोड़ा दबा के तो देख, गोली बाहर निकलने के पहले सुल्तान की इजाजत मांगेगी। बंदूक की गोली तो यूं ही बदनाम है, लेकिन जान तो हमारे खौफ से ही चली जाती है। ले चलो इन दोनों को, जान तो हमारे कैदखाने में, ले चलो, चलो, चल। ठहरो। निकलो, निकलो सर। ये तहखाने में नहीं, जेल खाने में जाएगा। तहखाना या जेल खाने में नहीं, मैं अपनी मोहब्बत के पास जाऊंगा। जब जेल खाने में दो दिन खाना नहीं मिलेगा ना, तो मोहब्बत का नाम छोड़कर खुदा को याद करने लगेगा। मोहब्बत का दूसरा नाम ही खुदा है। अब आप ही बताइए कि खुदा का नाम लूं या मोहब्बत का। ले भाई, हमारा तो नमाज का समय हो गया, चल तू भी अभी मोहब्बत के साथ निकल। अरे जा जा, निकल मियां। इसका ख्याल रखना पड़ेगा। अस्सलाम वालेकुम सुल्तान। वालेकुम अस्सलाम। कहां है वो पिल्ला जो हमारे मुल्क पाकिस्तान में मोहब्बत का किल्ला गाड़ने आया है? उसकी ये जुर्रत? अब वो सुल्तान के कैद में है। कुत्ता पाल बिल्ली पाल, लेकिन गलत फहमी मत पाल। राजा कैद में ना, भगा भगा के मार के दुल्हन ले जाए खदिया। हुजूर, एकर तो पता नहीं कि बाकी हमार तो अभी ब्याह होने के बैल। हुजूर ऐसा मत करी। क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है, बोल। एक मिनट इधर ये बताता हूँ। क्या बोल? अंदर चलिए हुजूर, सब बताता हूँ। चल चल। सुल्तान के घर अपनी फौज लेके तुरंत चले आओ। एक हिंदुस्तानी जासूस को अपनी गिरफ्त में लेना है, जल्दी। चल चल, डेट फूट गया, चल जल्दी, चल चल, डेट फूट गया। किधर का? रुक, बोल बोल। हुजूर, बोल। राजा, राजा अमावस के दिन पैदा हुआ है, गोली से क्या बम से भी नहीं मरेगा तो कैसे मरेगा, कैसे मरेगा, बता बता, तू बता। हुजूर, हम जैसे जैसे कहें आप वैसे वैसे करते जाइए, राजा मर जाएगा। जैसे जैसे तू बोला और मैंने किया, फिर भी नहीं मरा तो? हाँ, आप मुझे मार देना। हाँ, डेट टूट गया, चल 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 चल, बिद्दी की दरगाह, चल चल। पाकिस्तानम हिंदुस्तानम बिहारमानम और तुम्हारे बेटनम बेटियों बिहार पुत्र बहु बनानम रुक्सारम। पहले पीला गमछा दीजिए भाई जान, राजा के सर पे डालिए। लाल गमछा दीजिए, अपने सर पर रखिए। पाकिस्तानम रुक्सारम बिहार की बहुम बनम, मेरे साइज की भी कोई मिल जानम तो मेरी भी ब्याह करानम। लाल चंदनम हमरा के नहीं बोचा ना रे, उनका उनका। हाँ, अब मंत्रम पवित्रम पवित्रो वा भवंतो, अब तुम जानम भोजपुरियम तोर बापम, चलो अब इनका पैर छुओ। मुबारकम पूर्णतया दामाद भवतम।
अरे पिद्दीलाल, पैर तो पढ़ लिया लेकिन मरकर जमीन पर कब लेटेगा रे? कब लेटेगा? या तू लेटेगा? कब लेटेगा? हाँ, तुम्हें बोला था ना, तुम्हारे घर में तुम्हारे हाथ से पुजाई करवाऊंगा। पुजाई तो हो गया, अब पाँव लगाई निकालिए वरना दक्षिणा के बदले पाँव तोड़ के पायल बना दूंगा। हम बिहारी गोलियों के बादशाह हैं, हमें कभी बंदूक मत दिखाना। अगर ट्रिगर दबाओगे तो गोली बाहर आकर बोलेगी। पायल आगू चिंटू साहब। अभी ठोकता हूँ, छोड़ूंगा। रुको सुल्तान। कमबख्त को सलाखों के पीछे ले जाके इतना मारो कि इसके जिस्म पे जरा सी भी खाल बचने ना पाए, समझे? ले जाओ। आप अपनी खादी का फर्ज निभाइए जनाब, खाकी का फर्ज निभाना मैं अच्छी तरह से जानता हूँ। मुझे पता है कि तुम खाकी का फर्ज किस तरह निभाते हो। कहीं ऐसा ना हो कि खाकी का फर्ज निभाते निभाते कानून की लिस्ट से तुम्हारा नाम खाक में मिल जाए। सुल्तान, नदी में तैरते हो, समंदर में तैरने की कोशिश मत करो, वरना जिस दिन हमने लहर भर ली खुदा हाफिज। ले चलो इसे। जी जनाब। राजा, राजा नहीं। बच्चे, हम तुम्हारा वो हाल करेंगे, वो हाल करेंगे कि अब कोई भी हिंदुस्तानी बॉर्डर क्रॉस करना तो दूर पाकिस्तान का नाम लेने में भी खौफ खाएगा। ले जाओ इसे। ए नेता, अपने मुल्क के सबसे मजबूत सलाखों में कैद करवाना, क्योंकि हमारे मुंह से तो लोहा भी पिघल जाता है। चले। ठहरो, दुनिया में सबसे खतरनाक और बदनाम है मेरा मुल्क। बता, तू इस मुल्क में क्या करने आया है? अपनी मोहब्बत को दुल्हन बनाकर अपने देश ले जाने आया हूं। मुल्क और मोहब्बत की बात झूठ, तू तो मुझे कोई जासूस नजर आता है। नहीं सर, यकीन ना हो तो मेरा कलेजा चीर कर देख लीजिए। मेरे दिल की हर धड़कन में सिर्फ और सिर्फ रुखसार नजर आएगी। अच्छा, और मुझे मेरी मोहब्बत को पाने से दुनिया की कोई भी ताकत नहीं रोक सकती है, आप भी नहीं सर। सनी देओल, समझते हो अपने आप को कि पंप उखाड़ के पाकिस्तान को अस्त-पस्त करके यहां से दुल्हन ले जाओगे? हाँ, या फिर शाहरुख खान हो, कक-कक करके 20 साल के बाद भी हीरोइन मिल जाएगी? ताकत और सब्र का तो पता नहीं, लेकिन मोहब्बत का जुनून उनसे कहीं ज्यादा है। दत्त, दीवानापन छोड़ और होश में आ। ऐसा ना हो हिंदुस्तान में तुम्हारे माँ बाप के बेटे की ख्वाहिश ख्वाहिश ही बन के रह जाए। सच्चे दिल से अगर किसी को चाहो तो उसे मिलाने में पूरी कायनात लग जाती है। और फिर आपने भी तो कभी किसी से मोहब्बत की होगी। इसको अंदर डालो। चलो मेरे साथ। हाथ छोड़ दीजिए साहब, इसी हाथ को पकड़ने के लिए राजा आपके मुल्क में आया है। ना छोड़ू तो? दो अक्षर की मौत और तीन अक्षर के जीवन में ढाई अक्षर का प्यार बाजी मार जाता है साहब। बाजी मारने के लिए एक को बाजीराव और दूसरी को मस्तानी होना चाहिए। ये आपकी भूल है, मुझे सिर्फ और सिर्फ राजा हिंदुस्तानी ही कबूल है। ये कबूल तुम्हारी जिंदगी की भूल भी बन सकता है। नहीं,
भूल नहीं, ये मेरा जुनून है। जुनून? जुनून तुम्हारी कब्र की मिट्टी भी बन सकता है। उसकी मोहब्बत में तुम मिट चुकी हो, अब मिट्टी बनू या मुमताज, फैसला आपके हाथ में है। मिट्टी बनू या मुमताज, वाह, ये इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। जनाब, आप और इस वक्त यहाँ? मैं कभी भी, कहीं भी, किसी भी वक्त आ जा सकता हूँ। अल्लाह हाफिज। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। ये लो अंसारी, इस हिंदुस्तानी को जासूस बनाकर इसका इनकाउंटर कर देना। मंजूर है, मगर हमारी एक शर्त है। क्या? रुखसार से आपको हमारा निकाह करवाना पड़ेगा, क्योंकि उससे मैं एक तरफा बेपनाह मोहब्बत करता हूं। ठीक है, उसके लिए तुम्हें 29 तारीख तक निकाह का इंतजार करना पड़ेगा। मंजूर है। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज। जो मोहब्बत में पहले से ही मरा हुआ है, उस मरे हुए को तुम क्यों मार रहे हो? हाँ? धड़कन में रुखसार, आंखों में बेपनाह प्यार, हाय, हम तो कायल हो गए। रहीम के बंदे होके राम की तारीफ, क्या बात है जनाब। एक घर में रखे गीता और कुरान आपस में कभी नहीं लड़ते, वो लोग लड़ते हैं जो इन्हें कभी नहीं पढ़ते। अरे का बात बा, तू सबे हिया? सब ठीक बा नू? हाँ जी, सब ठीक बा। राउर बेटा पाकिस्तान गयल बा दुल्हन ले आवे खातिर। सोचनी हाँ, पाकिस्तानी दुल्हन लेके बॉर्डर पार करके इहवे से आई ना, एही खातिर दुल्हन के गृह प्रवेश की पूजा बॉर्डर पे ही कर ली। वैसे भी पाकिस्तानी भौजी हिंदुस्तान नहीं है, उनका खातिर सीमा प्रवेश ही गृह प्रवेश जैसे होई। हवा चला, अंदर चला। हवा रुखसार, तुम इतनी उदास क्यों हो? तुम्हारा आज निकाह है, ये कपड़े पहन लो, आंसू पोंछ लो रुखसार। जब वो मेरे लिए अपना बहता हुआ खून नहीं पोंछ रहा, तो उसके लिए मैं अपना बहता हुआ आंसू कैसे पूछूं? वो मर्द बाड़े, यही से खून बहला के बाद उनके दर्द ना होला। और एक बात, अगर उहे मर्द के मेहरारू बने के बा, तो आंसू पोंच के चेहरा पे मुस्कुराहट लावे के पड़ी। बहुत हौसला से राजा के माई आपन होके वाले पतोह के ये जोड़ा पहना के अपना घरे ले आवे खातिर अरमान बतावत रहनी। और ओ अरमान के भागीदार हम अपने आप के समझत रहनी। अभी जोड़ा के भागीदार तो बाड़ू, जल्दी से जोड़ा पहन ला। पहनला पहनला, खूब खूबसूरत लगबू। हमार राजा भैया तोरा से शादी करे खातिर घोड़ा पर तो चढ़ के ना, बाकी
दूगो सार के कान पे चढ़ के जरूर रही है। एगो बात कही, हमार भोजपुरी इंडस्ट्री में नू एगो बड़का डायरेक्टर बारे राजकुमार आर पांडे जी, उनका से कह के तोनी के रोमांटिक स्टोरी पर एगो फिल्म जरूर बनवाए, फिल्म हिट हो जाए हिंदुस्तान पाकिस्तान दोनों जगह। रुखसार को बुलाओ, निकाह का वक्त हो गया है। प्यार करने वालों को बुलाया नहीं जाता, वो खुद चल के आता है। मोहतरमा निकाह करने आई हो या हिंदुस्तानी दावत में? दावत ना, जोड़ा पहन के अपन राजा के रानी बने आई बिया, वो भी हिंदुस्तानी रीति रिवाज में। राजा रानी, अभी बताता हूँ तुझे। छुई हमर वरना पानी छुए लायक ना रहवा। भाषा तो नहीं, तेवर समझ रहा हूँ मैं, तेवर कम कर वरना तेरे बदन से एक एक करके कपड़े कम हो जाएंगे और वो सियार कुछ कर भी नहीं पाएगा। सियार नहीं, शेर है, शेर हिंदुस्तानी दिलेर है, किसी झंडू को नहीं पूरे झुंड को मारेगा। जमाने में रह गए हम, इंसानियत का फर्ज निभाने में रह गए। तुम सब चुपके से आके मेरे घर में आग लगाते रहे और हम तुम्हारे ही घर के आग बुझाने में रह गए। हम तुम्हारी औकात बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तुम्हारे सियासतदान हमारा कुछ उखाड़ने के बजाय तुम हिलाते हुए हाथ मिलाने चले आते हैं। देश हमारा कैसा है, न होगी तुझसे अब बात कोई, मुल्क तुम्हारा हिजड़ों का, न दिल में है जज्बात कोई। हम भारत माँ के सपूत हैं, ईंट से ईंट बजा देंगे, तू दर दर ठोकर खाएगा ऐसा कोहराम मचा देंगे। सड़क मार के लोगों की मजबूतियों को हमारे मुल्क वाले अपने बेगम के पैर की जूती समझते हैं। औकात नहीं तेरी कुछ भी, तू सर पे चढ़ जाता है, तेरे जैसे कुत्ते को हमको समझाना आता है। मारो, वरना नक्शे से मिट जाएगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, तेरा रोम रोम चिल्लाएगा। तेरी आने वाली पीढ़ी मेरे मुल्क के तलवे चाटेगी। मत उलझ हिंदुस्तानी से, तेरी मरी हुई माँ भी डांटेगी। हट, रुकिए, आज फैसला हो ही जाएगा कि कौन शेर और कौन दिलेर जीतेगा। Oh!
पागल मियां तुम? एक पाकिस्तानी होके हिंदुस्तानी का साथ दे रहे हो? आखिर तुम हो किधर के? हमसे मत पूछ के हम हैं किधर के। जिसने प्यार से गले लगा लिया हो गए उसी के। गैरों के लिए मत लड़, वरना अपनों से हार जाएगा। मैं वो खेल नहीं खेलता जिसमें जीत फिक्स हो। जीतने का मजा तो तब है जब खेल में रिस्क हो। अरे शैतान बता तू कहां का है? अपने मुल्क का, अपने कौम का सुल्तान हूं मैं, सुल्तान। अपने आप को सुल्तान कहते हो और उस सुल्तान का फरमान भूल के तुम? हमारे हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी नहीं फरमाया कि मासूम और बेगुनाहों की जान ली जाए। अपने मुल्क के मदरसों में, मस्जिदों में बम फेंकवाते हो तुम, और दूसरे मुल्कों में जो करते हो भूल जाते हो कि वहां मरने वाले क्या मुसलमान नहीं होंगे। सुल्तान कहते हो अपने आप को, ना फरमान को फरमान मान के जीने वाले तुम भी किसी फिरौन से कम नहीं। अपने आप को मुसलमान कहते हो, मुसलमान का मतलब समझते हो? आज मैं फिर कहता हूँ, मुसलमान वो जिसका ईमान चट्टान की तरह मजबूत हो और शबनम की तरह पाक हो। तुम जैसे शैतान को जीने का कोई हक नहीं, कोई हक नहीं। सुल्तान मुझे सबक सिखाएगा तू? सुल्तान को सबक सिखाएगा? मुसलमान और ईमान की बात बताएगा? जीने का हक तो तुझे नहीं है। जरूरी बा जा राजा। लोगों ने मेरे मुल्क को घुटने पर गिरा दिया था, तो आज देख अकेला राजा हिंदुस्तानी तेरी सल्तनत के साथ साथ तेरे ही खुदी हुई कब्र में तेरी ही छाती पर अपने भारत का तिरंगा लहराएगा।
रहा है, इसी तरह हिंदुस्तानियों ने दुश्मन की छाती पर तिरंगा गाड़ा है। हिंदुस्तानी लड़की है और ऊपर से मिस्राइन, इतना जल्दी हम अपन सांस छूटे ना दे। अगर सांस छूटी भी तो पाकिस्तान में ना, हिंदुस्तान में ही छूटी। निकलो यहाँ से, इससे पहले सिस्टम हावी हो जाए हमें निकलना पड़ेगा यहाँ से। निकलो, चलो। बॉर्डर क्रॉस करना। जी शुक्रिया। जल्दी करो, चलो। इस तरफ। हाँ। यहाँ से तुम लोग सेफ निकल सकते हो। जी। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अल्लाह तुम लोगों को सलामत रखे। अब तक तो खाली फरिश्तन के बारे में सुन ले रानी, बाकी आज इनका रूप में देख भी लेनी। हाँ, फरिश्ता है। मैं मौजूद हूँ हिंदुस्तान और पाकिस्तान के वाघा बॉर्डर पर, उस शख्स के पिताजी के सामने जिनका बेटा राजा उर्फ चिंटू पांडे दुल्हन लाने के लिए पाकिस्तान गया है। तो आइए जानते हैं कि इस बारे में उनका क्या कहना है। ईद का बोलेंगे, हमसे पूछिए ना, हम बताते हैं। ईद तो सरहद पे बंदूक चलाना जानते हैं। थोड़ा रुको। हाँ अब ठीक है। हाँ अब हम बता रहे हैं, 9 महीना अपना कोख में रखकर बच्चा को हम पैदा किए हैं। हमसे ज्यादा हमरा बेटा के बारे में और कौन जानेगा काजी? सही बोल रहे हैं ना? आप कभी गलत बोलती हैं क्या? हाँ तो क्या आपको लगता है कि आपका बेटा दुल्हन लेकर हमारा बचवा? रुका, रुकी दुल्हन। खोल के पाँव आहिस्ते से लगा के अंदर आ जाओ। अरे अरे बाबा बाबा, क्या हुआ? ऐसे ना, धीरे से, ऐसे। हाँ अच्छा। चंदा, आराम से बेटा, आराम से। ए चंदा, चंदा। राजा, हम काले रानी ना, किसांस पाकिस्तान में ना, हिंदुस्तान में ही छुट्टी। चंदा, राजा, एक सवाल पूछी। पूछा? कि लागे के मतलब काहुला? जकरा के पहला नजर में देखते दिल धड़क के प्यार खातिर जोर करे लगे, उहे की खा जैसे तोहार हमरा खातिर, हमार इनका ला और इनकर हमरा ला। राजा,
हमरा मरला के बाद हमरा के अपन कंधा पे शमशान ले जाइया ना। हाँ। मरला के बाद हमें अभागन की तरह ना। हाँ। ना चला चला एक सुहागन की तरह इस दुनिया से जाइब। तरह से आतंकी सरगना का सफाया करके राजा अपनी दुल्हन को हिंदुस्तान ले ही आया। इधर पकड़े गए तीनों आतंकवादियों को हिंदुस्तान की सरकार ने उम्र कैद की सजा सुनाई और साथ ही साथ गद्दार रईस पर देशद्रोह का मुकदमा चलाकर उसे जेल भेज दिया। जहां सीएम ने राजा को शाबाशी दी, वहीं एसपी विशाल वर्मा में भी सुधार आ ही गया। पर सबसे अहम बात, अफजल की तरह नेक दिल इंसान अगर हर मुल्क में हो जाए तो इंसान इंसान का दुश्मन न रहे। जय हिंद। क्लिक ऑन द बेल आइकन टू गेट रेगुलर अपडेट्स फ्रॉम वीनस।